नमस्कार दोस्तों, तेज खबर 24 में आपका स्वागत है। रीवा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक साथ एक दिन में 33 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। तीसरी लहर में अब तक का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। आपको बता दें कि तीसरी लहर को देखते हुए शासन प्रशासन बार बार लोगों से अपील कर रहा था कि वह कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन अब रीवा जिले में यह आंकड़ा जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वह एक बेहद चौंका देने वाला आंकड़ा है। आपको बता दें कि 1589 टेस्ट किए गए थे, जिसमें से 33 मरीज कोरोना संक्रमण के शिकार पाए गए। 1437 आरटीपीसीआर टेस्ट में से 33 मरीज कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। रीवा शहरी क्षेत्र में 31 मरीज कोरोना संक्रमण के पाए गए हैं, जबकि 2 मरीज रायपुर कलचुरियान में मिले हैं, जो रीवा जिले के अंतर्गत ही आते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह पूरे आंकड़े शहरी क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। 33 कोरोना संक्रमित में 31 मरीज रीवा शहर के हैं। आपको बता दें कि शासन प्रशासन बार बार लोगों से अपील करता आ रहा है कि वह कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। अभी तक यह देखा जा रहा था कि इंदौर, भोपाल, खंडवा, ग्वालियर, उज्जैन जैसे शहरों में इस तरह के आंकड़े आ रहे थे, लेकिन आज जो आंकड़े रीवा शहर में आए हैं वह बेहद चौंका देने वाले हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इंटरनेशनल खिलाड़ी ईश्वर पांडे सहित 6 चिकित्सक जो संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ हैं, वो भी कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। बार बार शासन प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है कि वह कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, लेकिन जिस तरह से लापरवाही बरती जा रही है, आने वाले समय में यह एक बड़े संक्रमण का रूप ले सकती है। शहर के जो हालात देखे जा रहे हैं, लोग पूरी तरह से अभी भी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। लापरवाही चलती जा रही है और कोरोना संक्रमण अपने पैर पसारता जा रहा है। हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे कि आज जो आंकड़े सामने आए हैं वह रीवा जिले के लिए शुभ संकेत नहीं है। मात्र एक दिन में 33 मरीजों को संक्रमण ने अपनी चपेट में ले लिया है। यदि यही आंकड़ा चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब रीवा में एक बार फिर महामारी अपना पैर पसारेगी।